हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। दिस इज योर लेक्चर नंबर 31 ऑफ स्पेशलाइजेशन पार्ट। रिसेंटली मैंने जीके पार्ट भी स्टार्ट किया है इसका, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK की, जो आप मेरी चैनल पे अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो SSB की दो प्लेलिस्ट फिलहाल मैं कवर करवा रही हूँ। एक आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है एंड एक आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, जिसमें हमने करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरे इन वीडियोस का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं PDF टेस्ट सीरीज एंड आपकी स्कीम्स वगैरह उनका PDF वो सब भी वहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो आज हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 में सोशल इविल्स वाला पार्ट हमारा चाइल्ड अब्यूज हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड हो गया। अब लास्ट पार्ट बचता है आपका, दैट इज योर ड्रग एडिक्शन, जो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज मी कुरत मलिक और ये मेरी YouTube चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है इफ़ यू वांट दिस फ्री कोर्स। तो ये एक नॉन प्रॉफिट काम है। इफ़ यू वांट यू कैन सेंड मी सुपर थैंक्स, जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई एम एन इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशोलॉजी, क्वालिफाइड UGC नेट सोशोलॉजी एंड आई हैव गॉट 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन और आई हैव टॉट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक StudyIQ एंड Unacademy। वहाँ से भी आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। So without wasting much time, let's start with today's social evil, which is a drug addiction. तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। इसका PDF मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह अपलोड कर दूंगी। ये आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हो गया। अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अ ड्रग एडिक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप SUD टर्म देखोगे, SUD वर्ड देखोगे, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके ड्रग अब्यूज से। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू है, सिर्फ इंडिया का नहीं है या JNK का नहीं है, ग्लोबल इशू है ये। एज पर लेटेस्ट ड्रग रिपोर्ट 2022 रफली 209 मिलियन पीपल जो है वो यूज़ करते हैं कैनबीज। कैनबीज इज योर भांग। अगर आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नाम सुना होगा भांग, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ भांग जो है वो लीगल है इंडिया में, वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हिंदू फेस्टिवल वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, इंडिया में भी आपको रेट्स ऑफ कैनाबीज दैट इज अ भांग एंड ओपियोइड यूज़ जो है काफ़ी हाई मिलेगा। ठीक है, ये दोनों जो है क्लासीफाई होते हैं एज ड्रग्स। जो इंडिया में ओपीएम यूज़ करते हैं डिराइव होता है प्लांट से, विच इज़ कॉल्ड ओपियम पॉपी। ठीक है, ओपियम पॉपी, तो ये काफ़ी पहले से इंडिया में यूज़ होता आ रहा है, ऑलमोस्ट 1000 AD से। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए इंडिया में किया जाता था एंड इसका एविडेंस कुछ टेक्स्ट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे आपका धनवंतरी निघंतु। ठीक है, ये एक टेक्स्ट है जिसमें ओपीएम जो है ऑलरेडी मेंशन किया गया है एज अ रेमेडी फॉर वैरायटी ऑफ एलमेंट, दैट मीन्स काफ़ी बीमारियों के लिए ये यूज़ किया गया है एज अ रेमेडी। अकबर के टाइम पे जो ओपीएम है वो कहाँ कल्टीवेट होता था ज़्यादा? मालवा रीजन जो आपका MP है सेंट्रल इंडिया, ठीक है, मेवाड़ रीजन राजस्थान जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे ओपीएम कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी। ओपीएम पॉपी में आपको मिलेगा अल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, नार्कोटीन एंड योर पेपावरीन। ठीक है, इनकी एनाल्जेसिक होती है, एंटीट्यूसिव, एंटीस्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज़। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? बेसिकली एनाल्जेसिक जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करती है, एंटीट्यूसिव होती है जो आपकी एंटी कफ, जो कफ को सप्रेस करती है, एंड एंटीस्पास्मोडिक अगेन जो आपको मसल रिलीफ प्रोवाइड करती है, जो स्पैज़म्स पड़ते हैं एब्डोमेन में खासकर, उनका रिलीफ, एंटीस्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज़, ये सारा आपको ओपीएम में देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसको एज ए वैरायटी काफ़ी। अब हिस्ट्री ऑफ ड्रग लॉज क्या है इंडिया के? कॉलोनियल एरा के टाइम पे जो ओपीएम कल्टीवेशन है यहाँ पे होती थी। बाद में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो पार्ट बने थे आपके फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है, इंडियन लीडर्स, वो चाहते थे कि जो ओपीएम कल्टीवेशन है यहाँ पे वो बैन हो जाए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है अगर आपको किसी एक स्टेट को डिस्ट्रॉय करना है, किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है, वहाँ पे आप क्या फैला दो? ड्रग्स फैला दो वहाँ के, क्योंकि जो यूथ है आपका उस पर डिपेंड होता है। आपका जो स्टेट की प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी आपके यूथ पे डिपेंड होती है, जो काम करती है, जो वर्किंग एज यूथ है, एंड जो ड्रग है सबसे ज़्यादा उसी यूथ को अटैक करता है। इस वजह से किसी को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है नेशन को, वहाँ पे आप ड्रग जो है वो कॉमन कर दो। तो इस वजह से वो इसके अगेंस्ट थे ओपीएम कल्टिवेशन के। तो अकॉर्डिंगली ओपीएम एक्ट पास हुए थे 1857, 76 एंड 1878 में, इन कंट्रोल करने के लिए कल्टिवेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपीएम। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे कंजम्पशन अभी देखा आपने? नहीं, तो कंज्यूम करने को बैन नहीं किया गया था, उसकी कल्टीवेशन बैन की गई थी एंड उसका मैन्युफैक्चर बैन किया गया था। फिर आगे क्या हुआ 1920s में प्रेशर आया, जैसे मैंने कहा ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, जो आपके लीडर्स फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को ऐसे लॉज लेके आओ जो इसके कंजम्पशन को भी कंट्रोल करे। जो ये हमने एक्ट्स लाए थे ये सिर्फ कल्टिवेशन और मैन्युफैक्चर की बात करते थे। अकॉर्डिंगली डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में पास हुआ था। इसने क्या किया था, कंट्रोल किया था ड्रग के कल्टिवेशन को भी, मैन्युफैक्चर को, सेल को, पोजेशन को, ट्रेड को एंड ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बैन हो गई थी। तो ये एक्ट किन के लिए यूज़ किया गया था, मेजरली प्लांट्स सच एज पॉपी, हेम्प, कोको and had no offences attached to cannabis and drug consumption। अभी भी ड्रग कंजम्पशन की कोई बात नहीं हुई है, एंड कैनबीज जो है आपका भांग, उसकी भी बात यहाँ पे नहीं हुई है। तो अगर एग्जाम में इनको आपको थोड़ा ये इसमें डीप जाके पूछना होगा तो ये आपको कंजम्पशन का खासकर पूछ सकते हैं कि कंजम्पशन ओपियम एक्ट किससे बैन हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ड्रग डेंजरस ड्रग एक्ट में भी कंजम्पशन की बात नहीं हुई थी, एंड ओपियम एक्ट जो आए थे उनमें भी कंजम्पशन की बात नहीं हुई थी। आगे 1914 में आपका DCA पास हुआ था, विच इज ए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और ये इनएक्ट किया गया था रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन्स को। इसमें मेडिसिन्स की बात हुई थी, तो इसमें इन्होंने वो मेडिसिन्स भी इंक्लूड करी थी जो डेवलप होती हैं आपके भांग से एंड आपके ओपीएम से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ एक्ट हैं जो प्री इंडिपेंडेंस एक्ट थे, प्री इंडिपेंडेंस ड्रग्स को लेके इंडिया में। ठीक है, आज़ादी से पहले के एक्ट। आगे अब हमें देखना है ड्रग, बेसिकली ड्रग एडिक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। ड्रग एडिक्शन में हम देखेंगे ड्रग को लेके इंडिया में क्या बातें हुई हैं। ठीक है, ड्रग एडिक्शन को लेके तो उस बातों में हमें देखना है जो ड्रग अब्यूज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लॉज लेके आए हैं। अब देखो, अगर हम अप्रोच देखें कि क्या अप्रोच इंडिया ने अपनाई उन चीज़ों को रोकने के लिए, एक हो गया आपका सप्लाई रिडक्शन। तो बेसिकली ड्रग एडिक्शन जो है वो फैलती कैसे है, किसी भी सोसाइटी में कहीं से सप्लाई हो रही है, आसमान से तो नहीं उतरेंगे ना ड्रग्स, कोई सप्लाई करेगा। सप्लाई क्यों करेगा, क्योंकि कहीं पे कोई डिमांड है। ये सप्लाई एंड डिमांड के प्रोसेस पे चलता है, जिस ड्रग की जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई उतनी हो रही है इलीगली, एंड देन इन सब से क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो है वो उसको और सोशल हेल्थ को हार्म पहुंचता है। तो तीन एरियाज हैं जो गवर्नमेंट को टैकल करने होते हैं, सप्लाई रिडक्शन के, डिमांड रिडक्शन के एंड हार्म रिडक्शन के। तो सप्लाई रिडक्शन के लिए इसने ये एक्ट लाया, ये पॉलिसी लाई, डिमांड रिडक्शन के लिए ये फॉलोइंग एक्ट्स लाए हैं, एंड हार्म रिडक्शन के लिए ये सारे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हमें इन डिटेल डिस्कस करने हैं। तो जो आपका NDPS एक्ट है इसको हम बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट। ठीक है, तो आपके नार्कोटिक्स, अगर हम सिंपल वर्ड पहले देखें नार्कोटिक क्या होता है। नार्कोटिक होता है आपका जो आपकी पेन को डल करता है, आपका जो पेन रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट होता है किसी चीज़ को लेके, उस रिस्पॉन्स को डल कर देता है। ठीक है, एंड साइकोट्रोपिक क्या होता है, जो बेसिकली आपकी मेंटल चीज़ से रिलेटेड है, मेंटल प्रोसेस को डिसबैलेंस कर देता है। जैसे आपने वो सुना होगा ये टर्म कि ये इंसान हाई है इस टाइम, ही इज़ हाई ऑन समथिंग, दैट मीन्स वो रियलिटी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, वो अपने ही मज़े में झूम रहा है। ठीक है, उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो इस टाइम पे बैलेंस में नहीं है, तो उन चीज़ों को हम साइकोट्रोपिक बोलते हैं। नार्कोटिक इज़ योर जो आपकी पेन को डल करता है, आपके पेन रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देता है। इंडिया इसमें जो इंटरनेशनल कन्वेंशनस है ऑन ड्रग यूज़, 3 कन्वेंशनस की पार्टी है, मतलब मेम्बर है इंडिया 3 कन्वेंशनस की। दैट इज़ योर 1961 वाला कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ड्रग यूज़, जिसको हम 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ योर 1971 कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एंड थर्ड वन इज़ 1988 कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन NDPS। ठीक है, NDPS is your narcotic drugs and psychotropic substances। तो इंडिया इज़ ए पार्टी टू दीज 3 कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस को थोड़ा एक एक पॉइंट हम आगे एक्सप्लेन और करेंगे, और इन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया एक मेंबर है, इंडिया ने रेटिफाई की हैं सारे कन्वेंशंस, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या किया, उसने पास किया अपना NDPC एक्ट 1985 में, और इसने रिप्लेस किया इस एक्ट ने जो प्रीवियस आपके ओपीएम एक्ट्स एंड डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 थे वो वाले। जो DC एक्ट ऑफ 1940 था ये अभी भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो NDPS एक्ट 1980 था, इसमें 85 था, इसमें आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये जो एक्ट था इसने क्या किया था, ये एक्ट बताता है आपको कि इंडिया है एक्चुअली पार्टी टू 3 कन्वेंशंस, उनको इफेक्ट में लाने के लिए इस एक्ट को लाया था। सेकेंडली इस एक्ट ने क्या किया था, इसने रिप्लेस किया था आपके ओपीएम एक्ट्स जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, 1875 वाला, 1857, 76 एंड 1898 आई गेस, 1878 सॉरी, एंड योर दिस जो हमने पढ़ा था आपका ड्रग एक्ट ऑफ 1930, इनको रिप्लेस किया. लेकिन जो डीसीए हमने पढ़ा था 1940 वाला, दैट कंटिन्यूज टू अप्लाई. ठीक है, तो जो एनडीपीएस एक्ट है बेसिकली करता क्या है, ये प्रोहिबिट करता है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यूज एंड कंजम्पशन ऑफ साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक्स. अब हमने देखा ये वर्ड कंजम्पशन ऑफ साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक्स, अभी तक हमने कंजम्पशन नहीं देखा था. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पसेस, क्योंकि हमें पता है इनके साइंटिफिक और मेडिकल जो है यूजेस होते हैं. तो अगर साइंटिफिक और मेडिकल चीज़ के लिए आप इसको कंज्यूम कर रहे हो देन इट इज़ नॉट ये जो है प्रोहिबिटेड, अदरवाइज इट प्रोहिबिट्स फॉलोइंग थिंग्स. ये याद रख लेना क्या क्या इसमें आता है, कल्टिवेशन, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यूज एंड कंजम्पशन. ठीक है, ये एक्ट जो है प्राइमरीली प्यूनेटिव. अब देखो ये प्यूनेटिव क्या होता है, ये आप बेसिकली उसमें फंडामेंटल राइट्स में पढ़ोगे. आपके पास प्यूनेटिव अरेस्ट हो सकता है या प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव होता है जो किसी इवेंट के ऑकरेंस से पहले ही आप अरेस्ट करो. फॉर एग्जांपल आपको डाउट हो कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है और फलानी टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप पहले ही उसको अरेस्ट करोगे बचाने के लिए. प्यूनेटिव इज जब एक्ट हो गया है उसके बाद आप अरेस्ट करोगे, तो आपको किसी के शक के बेसिस पे कि शायद वो ड्रग्स कंज्यूम करेगा उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जब आपके पास उसने ऐसा कुछ किया है या सॉरी या सेल में, प्रोडक्शन में, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, तो ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हो. उसको प्रिवेंटिव बेसिस पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते. हाउएवर अगर जो इट ऑल्सो एम्पावर्स द गवर्नमेंट अलाउ करने के लिए ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर मेडिकल और साइंटिफिक यूज. तो ये आपको लाइन याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है. इसमें आपका MCQ बन सकता है इंपॉर्टेंट कि किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है अगर मेडिसिनल या साइंटिफिक यूज़ के लिए आपको वो यूज़ करना हो. जो एक्ट है इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आती हैं. पहले मैंने आपको कहा था 1961 कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आते हैं आपके नार्कोटिक ड्रग्स, ये मैंने कहा आपको नार्कोटिक क्या होता है. सेकंड आते हैं 1971 कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपके साइकोट्रोपिक. ठीक है, थर्ड है इसमें प्रीकर्सर केमिकल्स जो आपको यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए ये चीज़ें. ठीक है, ड्रग्स के लिए आपको कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो केमिकल जैसे एफिड्रीन एंड स्यूडोएफिड्रीन, ये सारी चीज़ों को भी इसमें क्या किया गया है, कंट्रोल इनका यूसेज. जो कैनबीज लीफ प्रोडक्ट है जिसको भांग बोलते हैं इंडिया में, हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट एज पर 1961 कन्वेंशन. और इसका एक्सक्लूडेड का मतलब ये नहीं आप भांग जितना मर्जी उतना कंज्यूम कर सकते हो. इस भांग को कौन रेगुलेट करेंगे, आपके स्टेट गवर्नमेंट लॉज. दैट मीन्स इट हैज़ बीन लेफ्ट अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो ऐसे लॉज बनाएगा जिसमें भांग के यूसेज को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि कम्प्लीटली भांग को यहाँ पे क्या करना, उसका यूज़ करना भांग का कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है. अब कितना हिस्सा प्रोहिबिटेड है वो हम यहाँ देखते हैं. ऑल द कैनबीज जो है इन इंडिया इट इज़ नॉट लीगल अंडर NDPS एक्ट, इसका जो कंजम्पशन है उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगी. वो क्या हम मिलेंगी वो हम इस डायग्राम में देखते हैं. अगर ये भांग आपको इन लीव से डराइव हुआ है दैट इज़ अलाउड. ठीक है, लेकिन अगर भांग आप फ्रूट टॉपिंग से, जो उसका टॉप वाला पार्ट है, यहाँ से अगर भांग जो है वो आप कल्टिवेट करते हो, बनाते हो भांग इन जगहों से, टॉप से, तो उसको क्या किया गया है, वो इलीगल है. लेकिन अगर लीव से आप भांग बनाते हो उसको परमिट किया गया है, वो लीगल है. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. ऑल्दो कैनाबीज लीगल नहीं है अंडर NDPS एक्ट, कंजम्पशन ऑफ इट एज भांग मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कैनाबीज प्लांट इज. ठीक है, ये लीगल है. जो मैंने यहाँ बोला कैनाबीज प्लांट के लीव से लीगल है. द एक्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय द टॉप्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कैनाबीज. दैट मीन जो टॉप से अगर आप भांग बनाओगे, इसकी फ्रूट टॉपिंग इसको बोलते हैं या फ्रूटिंग बोलते हैं, या इसके फ्लावर से, ठीक है, फ्रूटिंग या फ्लावरिंग से, दैट मीन्स जो टॉप एरिया वहाँ से भांग बनाओगे तो दैट इज़ इलीगल. और अगर सीड्स से या लीव से बनाओगे दैट इज़ लीगल एज पर योर NDPS एक्ट. तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. फिर इसको अमेंड किया गया है 3 टाइम्स टू डेट NDPS एक्ट को. वो क्या क्या अमेंडमेंट है, 1989 में इसको अमेंड किया गया और इसमें कहा जो डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस करो इनके लिए, जो रिपीटेड ऑफेंस करेंगे, बार बार जो प्रोहिबिटेड जो भी है NDPS एक्ट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, या एटलीस्ट 10 years इम्प्रिजनमेंट जो है वो मैंडेटरी बनाओ. एंड बेल देने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करो एंड इनका ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स में होना चाहिए. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स लाई थी. 2001 अमेंडमेंट में क्या किया था, क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंसिंग लाई थी. जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा ना, कभी किसी एक्टर के पास कुछ पाया गया तो वो कितने क्वांटिटीज़ में था, यह ऑफन मेंशनड होता है, कितना ग्राम्स था. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो आपके क्वांटिटी के हिसाब से भी होनी चाहिए. स्मॉल, इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल क्वांटिटी जो है इसमें कैटेगरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी. फाइनली 2014 में क्या कहा था, एक नई कैटेगरी लाई थी नेम्ड एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स, रेगुलेट करने के लिए एसेंशियल नार्कोटिक्स को यूनिफाइड मैनर में अक्रॉस द कंट्री। तो कंट्री वाइड उन्होंने इसमें एक कैटेगरी ऐड की थी एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स की, ठीक है। और ये जो है ये लिस्ट आपको याद नहीं रखनी क्योंकि चेंजिंग लिस्ट है, इसमें जो ड्रग्स हैं वो इंक्लूड एंड एक्सक्लूड होते रहते हैं। और इसको ऑब्जेक्टिव थोड़ा बढ़ाया था प्रमोट करने के लिए मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज़ को, ठीक है, ताकि इसका बैलेंस कर पाएँ कंट्रोल को एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ताकि वो अवेलेबल करवा पाएँ ड्रग्स को अगर उनका कोई मेडिसिनल पर्पस है या कोई साइंटिफिक पर्पस है। थर्डली इन्होंने एक इसमें नई टर्म्स लाई थी मैनेजमेंट एंड रिकग्निशन अप्रूवल ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स, ठीक है, ताकि वो ट्रीटमेंट सेंटर्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ और जो ट्रीटमेंट अप्रोचेस वहाँ पे यूज़ करते हैं वो जो अप्रोचेस हैं वो किसी एविडेंस बेसिस पे हो रही हैं क्या नहीं, उन चीज़ पे वो ध्यान दे पाए। ऐसा तो नहीं है ट्रीटमेंट सेंटर आपने स्टार्ट करा ड्रग्स के लिए लेकिन पता चला वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है सही का ढंग का, तो वहाँ पे जब अप्रोचेस यूज़ करते हो पेशेंट्स को हील करने के लिए, वो अप्रोचेस किसी एविडेंस के बेसिस पे हो रही हैं कि वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, उन चीज़ को ओवरलुक करने के लिए मैनेजमेंट एंड रिकग्निशन अप्रूवल, ये दो टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करी थी बाय 2014 अमेंडमेंट एक्ट टू दी एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस, ठीक है। ये देखते हैं आगे डेथ पेनल्टी को डिस्क्रिशनरी बनाया था। तो डेथ पेनल्टी एड कहाँ पे हुई थी, हमने पढ़ी थी वो 1989 का एनडीपीएस एक्ट है उसमें ही पहले मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन रिपीटेड ऑफेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन उसको बाद में डिस्क्रिशनरी बनाया था लेटर अमेंडमेंट से। वो डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या हुआ, ये जो डेथ पेनल्टी है ऐसा नहीं है कि आपको देनी ही देनी है डेथ पेनल्टी, ठीक है, वो डिस्क्रिशन पे बेसिस होगा। दैट मीन्स आप वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करोगे, जिसका केस जितना ज़्यादा खतरनाक है हो सकता है आप डेथ पेनल्टी दे भी दो, लेकिन अगर उतना ज़्यादा खतरनाक केस नहीं है, उतनी ज़्यादा वायलेशन नहीं हुई है तो आप डेथ पेनल्टी को माफ़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डेथ पेनल्टी है इसको डिस्क्रिशनरी बनाया था आपके 2014 अमेंडमेंट एक्ट ने। सेकंड हमें देखना है नेशनल पॉलिसी ऑन एनडीपीएस दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 2012। ये पॉलिसी किसके लिए लेके आए थे, गाइड करने के लिए मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओज वगैरह को कि कैसे उनको काम करना है। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काफ़ी डीएसीज दैट इज डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो ओपन किए गए थे प्राइवेट सेक्टर्स में भी, ठीक है। और कहा था जो प्राइवेट सेक्टर में डीएसी आएंगे उनको कौन रेगुलेट करेगा, उनके लिए उनकी रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस आनी चाहिए गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं अगर प्राइवेट सेक्टर डीएसी ला रहा है तो वो खुद से रेगुलेट करेगा और अपनी मर्जी के उनके गाइडलाइंस बनाएगा, नहीं, उनकी गाइडलाइंस आएंगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल ले डाउन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर दीज डी एडिक्शन सेंटर्स, ठीक है। ये किसमें कहा था, एनडीपीएस पॉलिसी में। फिर आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम थी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस दैट इज अ ड्रग अब्यूज 1985, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड आपको स्कीम दो टाइप्स की होती है, स्पॉन्सर एंड सेक्टर। सेक्टर हो गया जो कंप्लीटली आपकी सेंटर से स्कीम आएगी। तो ये इंप्लीमेंट किसने की थी, एमओएसजी ने, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसको ऐसे लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट करेगा इस स्कीम को। इस स्कीम को रिसेंटली हम अब क्यों पढ़ रहे हैं इतनी पुरानी स्कीम, क्योंकि इसको रिसेंटली मर्ज किया गया है आपकी NAPDDR के साथ दैट इज अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। NAPDDR 2018 के साथ इस स्कीम को मर्ज किया गया, तो इसलिए हमें ये देखना है ये NAPDDR जो है ये क्या चीज़ है, जो हम आगे देखेंगे। तो जो NAPDDR है इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी इसमें इन्वॉल्व है, MOSG दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये लाया क्यों गया था, ताकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जितने भी इंडिया ने रेटिफाई किए हैं उनके लिए कोई काम हो जाए ऑन ग्राउंड, एनडीपीएस 1985 जो है उसको सही से वर्क करें, एंड एनडीपीएस पॉलिसी 2012 जो है उसके भी जो भी गाइडलाइंस वगैरह होंगी वो सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्लान 2018 टू 2023, ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको इन डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सारी स्कीम्स के लिए एक बेसिक चीज़ देख लो। ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी आ जाए किसी स्कीम का, एक तो वह स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे स्कीम वुमेन के लिए लेके आए हो या चिल्ड्रन के लिए लेके आए हो या डिसेबल पर्सन्स के लिए लेके आए हो, वो तो आपको पता होना चाहिए हर स्कीम का। लेकिन अगर ये जेनरिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर ड्रग के लिए आपको ये लेके आए हो, कोई स्कीम लेके आए हो, तो उसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव जैसे अवेयरनेस स्प्रेड करना, एजुकेशन वो स्टिग्मा रिड्यूस करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वहाँ के ऑफिशियल्स को, हार्म रिड्यूस करना रिलेटेड टू ड्रग यूज़, तो वो सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो अगर आप ऐसे जनरल से ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो यूजुअली उनका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक होगा, जैसे किसी एक कैटेगरी के लिए पर्टिकुलरली आप स्कीम लेके आए हो, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जेनरिक से ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो यूजुअली ऑल ऑफ द अबव होते हैं। तो बेसिकली एमसीक्यू सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिससे आप एमसीक्यू जो है वो, मतलब उनके लिए वो नहीं है जो बिल्कुल ही पढ़ेंगे नहीं फिर बोलेंगे हाँ वो एमसीक्यूज हम आराम से सॉल्व कर पाए, नहीं, आपने पढ़ाई कर ली, रिवाइज कर लिया, ठीक है, अब आपके एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सेकेंडली, इसके कंपोनेंट्स देख लो क्या क्या चीज़ें आई थी, इन्होंने सेटअप की थी। एक आपका IRCA आया था, यहाँ पे उसके फुल फॉर्म लिखे होंगे इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स। एक आपका ATF आया था, दैट इज एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। एक CLPI प्रोग्राम आए थे, कम्युनिटी लीड पेयर इंटरवेंशन। एक ODIC आया था, दैट इज आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स। एक SLCA, ठीक है, SLCA जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। तो ये सारी 4-5 चीज़ें हैं, नाम 6 नाम जो आपको याद रखने हैं जो इस आपके NAPDDR में आए थे 2018 में, ठीक है। तो सिंस इसके कंपोनेंट्स हैं एंड कोई पर्टिकुलर नाम है, इसीलिए आपको ये पता होने चाहिए। रेस्ट जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, जेनरिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं एक नशा मुक्त भारत अभियान, इसकी मिनिस्ट्री भी वही है आपकी MoSGI, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका बैकग्राउंड प्लान क्या है, ये क्यों लाई गया था अभियान, इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAPDDR जो हमने अभी देखा, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या है 2020 ऑनवर्ड्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सप्लाई रिड्यूस करना, ठीक है, सप्लाई को कर्ब करना, जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, अवेयरनेस वगैरह वो सब चीज़ें, एंड डिमांड रिडक्शन जो हमने आगे पहले देखा था अप्रोचेज में, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स लाइक IRCAs एंड ATFs। ये हमने किसने पढ़ा था अभी NAPDDR में, उसके ऑब्जेक्टिव्स में था सेटअप करना कोई चीज़ें, जैसे आपके सेंटर्स IRCAs एंड ATF वगैरह उसको सेटअप करने थे। तो उनको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया गया था, नशा मुक्त भारत अभियान लाया गया था, जिसकी बाद में ऑब्जेक्टिव बनाया था कि आपको ये चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है। और इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, आपकी NAPDDR स्कीम से। आगे देखते हैं ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम ऑफ इंडिया 1988, और ये किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, MOH and FW, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1988 में। इन्होंने क्या कहा था, सेटअप करो 30 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर्स जो हमने पहले ही अभी पढ़ लिया है, ठीक है, उनको लेके आने की बात पहले हुई थी, बाद में इसमें उसको इंक्रीज किया था कि 30 बेडेड DACs जो है वो आपको सेटअप करने होंगे। to provide quality inpatient service to patients with SUDs, ठीक है। The program expanded in the next 4-5 years, wherein state medical colleges and district hospital जो थे इनको भी लाया गया था within the purview of DDAP। तो आपके ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम में मेडिकल कॉलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा इसमें क्या है देखने वाला, यही एक पैराग्राफ में अगर मैं 2 क्वेश्चन निकाल के पेपर पे अलग आपको MCQ दे दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको साथ साथ रिवाइज करनी होंगी। आगे देखते हैं नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर AIIMS Delhi, ये नोडल सेंटर है, अंडर DDAP आता है, ये जो हमने यहाँ पे DDAP अभी देखा, ठीक है। जो DDAP है प्राइमरली वर्क्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, जैसे अभी इसने बात की, हेल्थ सेंटर बढ़ाया, बिल्ड कैपेसिटी में आपका ट्रेनिंग कैपेसिटी भी आएगा, जिसमें जो ऑफिशियल्स काम करते हैं वहाँ पे उनको ट्रेन करना, ठीक है, वो सारे काम कौन देखता है, आपका DDAP। और एक फंक्शन क्या है DDAP का, दैट इज योर ड्रग अब्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, डैम्स। इसमें क्या आता है कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आ रहा है आप उसकी प्रोफाइल बनाओगे, दैट मीन्स डिटेल सारी आपके पास होनी चाहिए, प्लस जो उनका ड्रग यूज पैटर्न है वो सारा आप डिटेलिंग अपने पास रखोगे। तो वो किस सेक्शन के अंडर आता है, ड्रग अब्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो किसका पार्ट है आपके DDAP का, ठीक है। और DDAP क्या करता है, हेल्थ केयर के लिए एंड कैपेसिटी के लिए काम करता है। और DDAP का नोडल सेंटर कौन सा है आपका, NDDTC, दैट इज अ नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, AIIMS New Delhi। अब देखते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट MHCA 2017। अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है तो मेंटल इलनेस की इसमें बात होगी। अब हमारे किस काम है ये कि 2017 का जो ये एक्ट, इसमें इन्होंने यूज डिजीज है, दैट मीन जो भी ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं उन लोगों को इंक्लूड किया था डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस में, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके और ट्रीटमेंट सेंटर्स में उनके साथ कोई क्रूअल्टी ना हो, कोई गलत इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है। इसीलिए आपको उनको कंसिडर करना होगा कि वो मेंटली इल हैं वो पेशेंट्स, ठीक है। आपको इस प्रॉब्लम को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से नहीं देखना है, क्योंकि बेसिकली है क्या जो ड्रग मेनेंस है तो लॉ एंड ऑर्डर इशू है ना, कहीं से सप्लाई आ रही है इलीगली, कहीं से डिमांड बढ़ रही है, फाइन। लेकिन जब हार्म आपका पहुंच गया है, हार्म आप उस कंडीशन में आ गए हो, तो आप एक मेंटली इल जो है पेशेंट उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाओगे। ये बात किसने कही थी? एमएचए एक्ट 2017 ने। और एसयूडी जो है सब्सटेंस यूज डिजीजेस जो हैं उनको किस में लाया था? मेंटल इलनेस की डेफिनेशन में, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सकें क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट से, और एसयूडीज को वो दिखा सकें कि ये हेल्थ प्रॉब्लम है रादर देन लॉ एंड ऑर्डर इशूज अलोन, ठीक है। तो इस वजह से आपको उनके साथ सॉफ्टली डील करना पड़ेगा। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है। ये जो एक्ट है बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लोग एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए, जो डिसेबल होंगे, उनको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दी जाती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दी जाती है बाद में, जिसके कई बेनिफिट्स मिलते हैं उनको आगे जाके लाइफ में, वो सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था? MHCA 2017 में SUDs आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, एक पर्सन जो सब्सटेंस यूज डिजीज में होगा, ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस डिसेबल सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो उसको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिलेगी, उसको भी डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट मिलेगी, ताकि आगे जाके जब वो ठीक हो जाए उसको कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकें लाइफ में और वो प्रोग्रेस कर सके। ये इसका मकसद था, ये लाने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, पर्सन डायग्नोज विद मेंटल इलनेस आर एलिजिबल फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायग्नोसिस। ये कौन कहता है आपको? ये एक्ट कहता है 2016 वाला, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। ये आपको कहता है कि मेंटल इलनेस वालों को सर्टिफिकेट दो। फिर हमने अभी क्या पढ़ा MHCA 2017 में, कि मेंटल इलनेस में आपने SUD भी एक्ट किए थे, देयरफॉर जो SUD से सफ़र कर रहे हैं उनको भी ये सर्टिफिकेट जो है वो दी जाएगी, ये इस एक्ट का कहना था। आगे देखते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए स्कीम लाई गवर्नमेंट ने। इसमें बेसिकली दो इश्यूज को डील किया गया था। पहला कि जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं उनको स्ट्रेंथन करें और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें लोगों को जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं, ताकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है कि अचानक से कोई बीमार हो गया और उसको अपना कैश यूज़ करना पड़ता है, वो चीज़ रिड्यूस हो जाए और उनको इंश्योरेंस मिले। सेकेंडली, आपका जो वेलनेस सेंटर होते हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। अब इसमें आपकी फिजिकल इलनेस आती है, अगर वो वाली इलनेस होगी तो रिसेंटली अभी तक इसमें मेंटल इलनेस इंक्लूडेड नहीं थी, मेंटल इलनेस को इससे बाहर रखा गया था। लेकिन MHCA ने कहा कि जो हमने अभी पढ़ा था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाला 2017, उसने कहा था आप मेंटल इलनेस को ट्रीट करोगे एज फिजिकल इलनेस, दैट मीन जो मेंटली इल है वो भी बनते हैं ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी इस स्कीम के, उनको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए स्कीम के, ठीक है। ये बात कही। एंड ये भी हमें MHCA से क्लियर हो गया कि जो आपका मेंटल इलनेस है उसमें SUDs भी आएंगे, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप ये भी बोल रहे हो जो SUDs हैं वो भी बेनिफिशियरी बनते हैं आपके आयुष्मान भारत स्कीम के। तो इसीलिए यहाँ पे स्कीम बोलना इम्पॉर्टेंट था। टोटल ऑफ 17 मेंटल हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग दोज ड्यू टू साइकोएक्टिव ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, ठीक है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ईज करना एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। आप इसमें सेंटर्स बनाते हो, टेलीफोन, आपको टोल फ्री नंबर दिया जाता है जो आप यूज़ कर सकते हो ताकि क्विक एक्सेस मिल सके। टोल फ्री नंबर दिया जाता है, आप यूज़ करते हो क्विक एक्सेस के लिए, ट्रीटमेंट आपको आसानी से मिल सके। जो निमहांस बेंगलुरु है ये नोडल सेंटर है, दैट विल फंक्शन विद 23 ऐसे टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स के साथ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और टेक्निकल सपोर्ट जो है इन टेली मेंटल हेल्थ सेंटर को, वो कहाँ से आएगा? आपका IIT बेंगलुरु से, ठीक है। तो नोडल सेंटर कौन सा हो गया इसका? निमहांस बेंगलुरु। पूरा फुल फॉर्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी याद रखोगे एग्जाम के लिए काफ़ी है। निमहांस बेंगलुरु इसका ये है नोडल सेंटर। एंड टेक्निकल सपोर्ट इसको मिलेगा IITB से, दैट इज जो IIT बेंगलुरु, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ईज करेगा एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जहाँ से आपको क्विक एक्सेस मिल सकता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके अंडर आपको टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस दी जाती हैं एंड टेली साइकाइट्री ऑपरेशन गाइडलाइंस भी इसमें रिसेंटली ऐड की गई हैं। तो टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस जो है वो आपको कहता है कि जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो आपके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल होंगे, ये उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बताता है कि कैसे करके उनको ये फैसिलिटी अवेल करनी है और कैसे अपने पेशेंट्स के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट वगैरह इस्टेब्लिश करना है। और टेली साइकाइट्री ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या कहता है, ये बेसिकली जो भी मेडिसिन हैं उनकी कैटेगरीज को 4 में डिवाइड करता है, लिस्ट ऑफ 4 में, एंड ये बताता है कौन सा उनको कैसे यूज़ करना है एंड इसमें लिस्ट में कौन सा वाला जो आपका कैटेगरी है वो प्रोहिबिटेड है। तो ये सारी बातें साइकाइट्री ऑपरेशन गाइडलाइंस में हुई हैं। ये रिलीज़ हुआ था ड्यूरिंग कोविड फर्स्ट वेव इन इंडिया। तो इसमें आपको मेंटल हेल्थ केयर के साथ साथ जो SUD ट्रीटमेंट है वो भी, उसका जो एक्सेस है वो भी इजीली मिल जाता है। तो ये था आपका जो भी इम्पोर्टेंट है आपके ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड। कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मार्च 2023 में जो आपका MOSG है, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने कहा था अप्रॉक्सीमेटली यूनियन टेरिटरी JNK में, ये JNK के फैक्ट हैं, 1 मिलियन इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर ग्रैपलिंग विद सब्सटेंस अब्यूज। 1 मिलियन इंडिविजुअल जो हैं दैट इज 10 लाख इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा था 50% ऑफ दीज इंडिविजुअल जो हैं दे वर स्पेसिफिकली एडिक्टेड टू ओपियोइड्स। ठीक है, ये भी आप याद रखना। एज पर अ सर्वे कैरीड आउट बाय जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट ईयर, और 52,000 इंडिविजुअल जो हैं कश्मीर में दे एक्नॉलेज्ड कि हाँ हम हीरोइन जो है वो यूज़ करते हैं। सर्वे फाइंडिंग्स रिवील दैट ऑन एवरेज अ यूजर स्पेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 88,000 रुपीज टू सस्टेन दियर ड्रग हैबिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एट IMHANS, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस श्रीनगर, देयर हैज़ बिन अ ट्रांजिशन। अगर आप देखोगे ड्रग यूजेज पैटर्न में अब क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मोर पोटेंट डेंजरस हार्डकोर ड्रग्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं, प्रिडोमिनेंटली योर हीरोइन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ ड्रग यूजर्स जो है वो पॉजिटिव टेस्ट करते हैं HCV पे, दैट इज जो हेपेटाइटिस C, कहाँ पे IMHANS में। 2023 में स्टडी कंडक्टेड एट IMHANS रिवील्ड कि प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस C जो है दैट इज अमंग दैट इज अप टू 72%। ठीक है, यही पॉइंट है यहाँ पे। द इंस्टीट्यूट रिसीव्ड 150 ड्रग एडिक्शन केसेस पर डे। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट ओवर 33,000 सिरेंजेस जो हैं दे आर बीइंग यूज डेली फॉर हीरोइन इंजेक्शंस। तो ये सारा कुछ डेटा है जो आप नोट डाउन करोगे शॉर्ट फॉर्मेट में अपने नोट्स में। ठीक है, और आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, 1.08 लाख मेन एंड 36,000 वुमेन आर फाउंड यूजिंग कैनाबीज, दैट इज अ भांग, इन JNK इन 2022। इतने सारे जो वुमेन एंड मेन थे दे कंज्यूम्ड ओपियोइड्स एंड सेडेटिव्स। 1.6 लाख मेन एंड 8,000 वुमेन, 1.87 लाख मेन एंड 7,000 वुमेन जो थे देवर हुक टू इनहेलेंट्स। ठीक है, जो वो सूंघ के वो ड्रग्स नशा वगैरह करते हैं। तो ये भी कुछ डेटा है। एंड मागाम इमाम बाड़ा जो है, इट बिकेम द वैलीज फर्स्ट रिलीजियस सेंटर जहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट किट्स जो है वो अवेलेबल रखे गए लोकल लोगों के लिए। दैट मीन्स अगर किसी को डाउट है कि उनका बेटा या बेटी ड्रग्स करते हैं तो वो जाके वहाँ पे उनको स्क्रीन करवा सकते हैं। तो पहले कहाँ पे किया, मागाम में इमाम बाड़ा। JNK आपका पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना श्रीनगर है, ये पहला स्कूल है वैली का इम्प्लीमेंट करने के लिए ड्रग पॉलिसी। ठीक है, ये था आपका JNK का। अब आगे कुछ देखते हैं नेशनल लेवल का। कैनाबीज, हीरोइन एंड ओपीएम जो है दे आर मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स इन इंडिया। ठीक है, अब एनकरेज करने के लिए टू क्विट ड्रग एडिक्शन वर्ल्ड वाइड कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, दैट इज 26 जून एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो वर्ल्ड वाइड कौन सा, याद रख लेना 26 जून। लेकिन इंडिया में हमारा नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। उस दिन और क्या होता है, गांधी जयंती, दैट मीन्स महात्मा गांधी का बर्थडे होता है। सिंस ही वॉज अगेंस्ट दिस इंटॉक्सिकेंट्स, तो गांधी जयंती के दिन ही हम ये सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को, आपका नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे। एंड वर्ल्ड वाइड कब सेलिब्रेट होता है, ये 26 जून। ये कुछ देख लो, स्टेट्स विद हाईएस्ट केस ऑफ ड्रग अब्यूज। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल ड्रग अब्यूजर्स कहाँ पे हैं, गोवा एंड पंजाब। अर्बन ड्रग अब्यूजर्स हैं मिजोरम एंड मेघालय। ठीक है, अब इंडिया में अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है ड्रग्स की, वो क्यों है उसके लिए आपको ये चीज़ देखनी होगी। ये मैप देख लो, ये इंडिया है, यहाँ पे कंट्रीज आती हैं। इसके लेफ्ट साइड से इसको गोल्डन क्रिसेंट बोला जाता है। एक साइड से आपका ईरान है, यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ से ड्रग सप्लाई इजी हो जाता है। एंड इसके राइट साइड से आता है गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे आपकी कंट्रीज हैं बर्मा, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। यहाँ से भी ड्रग सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इंडिया जो है इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन योर गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। इसकी वजह से यहाँ पे ड्रग्स जो हैं इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लार्ज क्वान्टिटीज़ में। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। India is sandwiched between two largest opium-producing regions of the world, that is the Golden Triangle on one side and the Golden Crescent on the other. जो हमने अभी मैप में देखा, गोल्डन क्रेसेंट में आपका आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड गोल्डन ट्रायंगल में आता है आपका थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। इसीलिए यहाँ पे आपको ड्रग्स जो है वो आराम से मिल जाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये था आपका ड्रग एडिक्शन। मीनवाइल आपके एग्जाम से पहले अगर कोई और डेटा आता है, रिसेंट डेटा इसको लेके, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो टिल द टाइम मैं अपलोड नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।